उम्मीदों पे कितना खरा उतरा है ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उद्योग जगत के लोगों से। सर, कितना लगता है आपको कि जो इंडस्ट्री है उसको फायदा होने वाला है इस बजट से? देखिए, इंडस्ट्री के लिए तो आज जो बजट इन्होंने प्रस्तुत किया माननीय वित्त मंत्री जी, जो मुझे नहीं लगता कोई बहुत फायदा होने वाला है। बहुत लोग उम्मीद लगा के बैठे थे आज, पूर्वांचल के और बनारस के लोगों को खास उम्मीद थी कि आज यहाँ एमएसएमई सेक्टर को सुदृढ़ करने के लिए कुछ अनाउंस होगा। उन्होंने पूरे देश में 3790 करोड़ रुपया एक एमएसएमई के लिए किया, कैसे करेंगे नहीं जानते। आज यहाँ पूर्वांचल के लिए आज पिछले 2000 से हम लोग लगातार कह रहे हैं कि यहाँ असीम संभावनाएं हैं डेवलपमेंट की और इंडस्ट्रियलाइजेशन की। एक विशेष पैकेज दिया जाए, क्योंकि अभी बैकवर्डनेस यहाँ बरकरार है। इन्होंने पहले जैसे अदर राज्य पूर्वोत्तर राज्यों में, आपके जम्मू में इन्होंने पैकेज दे के वहाँ समृद्ध किया उत्तरांचल में, आज पूर्वांचल का अपराध क्या है? लेकिन ऐसा आज कुछ नहीं मिला। बजट संतुलित है, इसमें किसानों को, किसी खेती को, वो भी अहम योगदान है देश के निर्माण में, उनके लिए जरूर कुछ ये ध्यान दिया है, लेकिन उद्योग जगत को निराश किया है। क्या क्या करेंगे, क्या बुनियादी चीजों को ठीक करने की कोशिश की गई है? देखिए, बुनियादी चीजों को जो उन्होंने ठीक किया वो तो एक अलग की बात है, लेकिन हम लोग पूर्वांचल से आते हैं, हम लोग के लिए बहुत बड़ी निराशाजनक बजट है कि पूर्वांचल की जो पुरानी मांग थी कि पूर्वांचल को पैकेज मिलना चाहिए, जहां यहां पर सारी चीजें मौजूद हैं, यहां श्रम शक्ति भी है, संपदा भी है, सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद पूर्वांचल पूरा निराश है कि हमको कुछ भी नहीं मिला। हमको क्या, पूरा उत्तर प्रदेश को भी कुछ नहीं मिला, यहाँ के व्यापारी बहुत ज्यादा निराश है। चलिए, पूर्वांचल देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली निराश है, लेकिन अगर हम बात करते हैं मैम ओवरऑल अगर बजट को देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए, मेडिकल के लिए काफी कुछ किया गया है, तो उसका तो फायदा पूर्वांचल के लोगों को मिलेगा। जी बिल्कुल, आम जनता को ध्यान दिया गया है निश्चित रूप से, उनके स्वास्थ्य के लिए, किसानों के लिए, और गृह आवास योजना भी बहुत सुदृढ़ तरीके से वो आगे बढ़ा रहे प्रधानमंत्री जी। पर जैसे हमारे उद्यमी, देखे एक टैक्सेशन, चूंकि मैं सीए हूं तो टैक्स मैटर्स में हम ज्यादातर, हमारी भी निगाह होती है कि उद्यमियों को क्या दिया जा रहा है, कि उनको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो उस हिसाब से कोई विशेष बेनिफिट किसी भी टैक्स स्ट्रक्चर में नहीं लाया गया है, और जो लाया भी गया है तो आड़े हाथों दूसरी जगह सेस बढ़ा के ले लिया गया है। सर, आने वाले समय में कितना फायदा होगा इस बजट से? देखिए, ये बजट प्योरली सामाजिक बजट है, इसमें गरीबों के लिए तमाम योजनाएं दी गई हैं, हेल्थ से रिलेटेड दी गई हैं, और जहां तक डायरेक्ट टैक्सेस का सवाल है, डायरेक्ट टैक्सेस में कोई विशेष रिलीफ नहीं दी गई है। जो 40,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड पर्सन को दिया गया है, तो कई एक उसमें अलाउंसेस को विड्रॉ कर लिया गया है, जिससे ओवरऑल इफेक्ट जीरो होता है, उनको कोई लाभ नहीं है। लेकिन अगर सामाजिक तौर पर देखा जाए तो इंडस्ट्रियलिस्ट को भी बहुत इनकरेज नहीं किया गया है, तो ऐसी सूरत में गरीबों के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं, इससे समाजवाद को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत फायदा होने वाला नहीं है। क्या बिल्कुल इंडस्ट्री को नहीं, पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल की इंडस्ट्री वैसे ही बहुत अच्छे पोजिशन में नहीं है, अब क्या होगा? उद्यमियों के लिए, इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए कोई भी बजट में प्रावधान उन्होंने नहीं किया हुआ है, और इस हिसाब से देखा जाए तो बजट प्योरली निराशाजनक है। रह गया आपका हेल्थ सेक्टर और एग्रीकल्चरल सेक्टर में, कुछ उन्होंने अपना बजट में अपना प्रावधान किया हुआ है, और वो भी काफ़ी सराहनीय है उनके, प्रधानमंत्री जी के लिए, लेकिन और जो ओवरऑल बजट निराशाजनक है, इसमें टैक्स पेयर के लिए भी कोई विशेष सुविधा नहीं थी, और जो भी दिए हैं वो एक हाथ से दिए हैं, दूसरे हाथ से वापस ले लिए। ऐसा नहीं लग रहा है कि एक मास्क के फायदे के लिए दिया है इन्होंने बजट? ये बजट ऐसा है जिसमें कि पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को टच किया गया है, तो ये कहना कि इसमें निराशाजनक पूर्णता है ऐसा नहीं है। इसके दो पहलू हैं, पूरे जितने भी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकते हैं उन सबके बेहतरी के लिए, चाहे हेल्थ है, एजुकेशन है, हाउसिंग है, फार्मिंग है, एग्रीकल्चरिस्ट है, हेल्थ इंश्योरेंस है, उन सबके लिए बेहतरी की गई है, जिससे कि उसका फायदा जो समाज के निचले वर्ग के लोग हैं उनको मिलेगा। जाहिर है ये बजट इस गवर्नमेंट का आखिरी बजट था जिसके लिए वो तैयार हैं कि अगले इलेक्शन में इसका फायदा मिलेगा। यदि दूसरी बात ये आई कि जहां पर किसी भी समाज के डेवलपमेंट की बात है, वहां की इंडस्ट्रीज जब तक समृद्ध नहीं होंगी तब तक उस समाज का तेजी से विकास नहीं होगा। जी बिल्कुल रत्नेश, हम सुन पा रहे हैं कि जो तमाम उद्यमी आपके साथ जुड़े हुए हैं, व्यापारी वर्ग से जुड़े लोग आपके साथ में हैं, वो इस बजट को लेकर कुछ खास उत्साहित नजर नहीं आ रहे हैं रत्नेश। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह जरूर उठता है कि ये क्या वजह है कि तमाम विपक्षी दलों की तरफ से कहा जा रहा है कि बजट हवा हवाई बजट है और ये सिर्फ कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने वाला बजट है? बिल्कुल, जो विपक्षी है, अगर हम पॉलिटिकली बात करें तो विपक्ष कह रहा है कि हवा हवाई बजट है, इसमें कुछ ठोस चीजें नहीं दिखाई दे रही है,
तो ओवरऑल अगर कॉमन मैन की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, एक्सपोर्ट पॉलिसी की बात करें, तो कुछ दिखाई दे रहा है इसमें? विपक्ष तो अपनी बात ही रखेगा, वो तो कहेगा ही गलत बजट है, हर साल विपक्ष बोलता ही है, इसमें कोई नई बात है नहीं। लेकिन ये बजट बहुत अच्छा बजट है। अब देखिए इसमें संसाधन जो है उन्होंने अलोकेशन जो किया है वो फार्मर्स के लिए भी किया है, गरीबों के लिए भी किया है, हेल्थ पे काफी अच्छा ध्यान दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया है, सीनियर सिटीजन है उनको पेंशन मिलती है 40,000 वहां छूट दे दी है, और जो इंटरेस्ट मिलता है उनको बैंक से उसे 50,000 की छूट बढ़ा दी है, 10,000 से 50,000 कर दिया है, और मेडिकल प्रीमियम देते हैं ATD में 30,000 से 50,000 कर दिया है, तो काफी छूट मिली है सीनियर सिटीजन को भी। और जो बड़े इंडस्ट्रीज हैं 250 करोड़ तक का टर्नओवर जिनका इंडस्ट्री वही बड़े ही कहलाएंगे या छोटे तो सब आ ही गए, उनका टैक्स 30% से 25% कर दिया है, वो भी बहुत फायदा है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा बजट कहलाएगा। क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की भी बात हो रही थी, तो एक क्या रोजगार के अवसर भी देगा क्या बजट? हकीकत बता दें आपको, अब रोजगार की बात जहां तक है ना, जिस हिसाब से तेजी से ऑनलाइन होता जा रहा है पूरी दुनिया भर में, हर व्यक्ति को अपना रोजगार खुद ढूंढना पड़ेगा, और नौकरियां तो रही नहीं जाएंगी, जो रिटायर होते चले जाएंगे नई नौकरियां कहां से आएंगी? असल ऑनलाइन का जमाना हो गया है, पहले बैंक की दुनिया में गई थी, रिजर्व बैंक गवर्नर कह रहा मुझे बैंक नहीं चाहिए, मुझे ब्रांच नहीं चाहिए, मुझे बैंकर्स नहीं चाहिए, हम ऑनलाइन करेंगे, तो मोबाइल पे बैंकिंग करते रहिए, सारा का मोबाइल होता रहेगा, इनकम टैक्स करें, GST करें, रिटर्न फाइलिंग असेसमेंट ऑनलाइन हो रहा है, वहां अधिकारियों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा काम कंप्यूटर करेगा, तो रोजगार तो अपना सर्जन खुद करना पड़ेगा सरकार की, बल्कि तो प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि आप रोजगार कीजिए और लोगों को रोजगार दीजिए, तो शायद उसी ओर बढ़ रहे हैं क्या? सर क्या लगता है आपको कि इंडस्ट्री के लोग थोड़ा सा निराश हैं इस बजट से लेके, लेकिन अगर आम आदमी की, कॉमन आदमी की बात करें हम, चाहे वो किसान हो, मेडिकल में अच्छी सुविधाएं दी गई हैं, तो क्या लगता है आपको इस बजट में? उस हिसाब से देखा जाए तो बजट बहुत ही अच्छा है। ये इंडस्ट्रीज की जो बात हो रही है, ये पूर्वांचल की बात हो रही है, पूर्वांचल के लिए उन्होंने कुछ नहीं दिया, पूर्वांचल के लोग बहुत ही आशा लगा के रखे थे, चूंकि यह क्षेत्र उनका, अपने प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, पूर्वांचल पिछड़ा हुआ है, बार बार कहा जाता रहा चुनाव में कि पूर्वांचल को देखा जाएगा, पूर्वांचल का विकास किया जाएगा, इसके लिए योजनाएं लाई जाएंगी, तो पूर्वांचल के लोग आज इस बात से निराश हैं कि पूर्वांचल के लिए कोई खास नहीं किया गया, जबकि पूर्वांचल में आज आवश्यकता बहुत सी चीजों की है।